अभी 1 बजे के आसपास एक महिला के साथ चैन स्नेचिंग की वारदात हुई है और दो व्यक्ति थे पल्सर मोटरसाइकिल पर बैठे हुए, नाकाबंदी करवा दी है, समग्र क्षेत्र के अंदर टीमें लगी हुई है, सर्च करवा रहे हैं। अजमेर में जहां एक तरफ पुलिस लगातार अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बदमाशों पर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं बदमाश भी अब पुलिस को सरेआम चुनौती देते नजर आ रहे हैं। अजमेर के क्लॉक टावर थाने के पास बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दे दिया और मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी देते हुए क्लॉक टावर थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला चाची आवास निवासी रेखा जैन ने लिखित शिकायत देकर बताया कि वह अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने से गुजर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से आकर झपट्टा मारा और गले से चेन तोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी भी लगाई जा रही है। अभी 1 बजे के आसपास एक महिला के साथ चैन स्नेचिंग की वारदात हुई है और दो व्यक्ति थे पल्सर मोटरसाइकिल पर बैठे हुए, नाकाबंदी करवा दी है, समग्र क्षेत्र के अंदर टीमें लगी हुई है, सर्च करवा रहे हैं। ये शहीद स्मारक के पास। सर, कौन महिला है और कहाँ की रहने वाली है? अभी जो महिला है वो रिपोर्ट दी नहीं है उन्होंने, और अभी वो खुद गई हुई है कहीं उनके साथ के अंदर सर्चिंग के लिए। जब आ जाएगी तो प्रकरण दर्ज होने के बाद में आपको बता दिया जाएगा। सर, कोई फुटेज भी है क्या? हाँ, फुटेज वगैरह के अंदर लगी हुई है, टीमें सर्च कर रही है।